बड़े अच्छे लगते हैं सीजन 3 की कहानी जिस स्पीड पर आगे बढ़ रही है, जिस तरह से राम और प्रिया की कहानी ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है, वो फैंस को बड़ा ही अच्छा लग रहा है। आज के एपिसोड में दिखाया जाएगा कि किस तरह से प्रिया को फाइनली राम के साथ एक ही कमरे में गोवा में रहना पड़ेगा और बाहर हो जाएगी बारिश। अब इस खूबसूरत वेदर में दोनों एक दूसरे के सामने आएंगे। यहाँ पर राम और प्रिया एकदम बारिश को देखकर कहेंगे कि उन्हें बारिश कितनी पसंद है और दोनों एक दूसरे को देखकर स्माइल करेंगे कि इनकी चॉइसेस कितनी मिलती है। बहुत ही क्यूट तरीके से इनकी कहानी को आगे बढ़ते दिखाया जाएगा। जब राम यहाँ पर कहेगा कि उसने कहीं पर पढ़ा है कि दो लोग जब एक साथ बारिश देखते हैं किसी नई जगह पर, तो इसका मतलब ये होता है कि उनकी जो जोड़ी है वो लाइफ टाइम के लिए बन चुकी है। फिर राम प्रिया को एक्सप्लेन करेगा कि वो चीजी होने की कोशिश नहीं कर रहा है, उसने ये कहीं पर रीड किया है। और इसके बाद दिखाया जाएगा कि किस तरह से प्रिया को राम बोलेगा कि उसे एक बार फिर से भूख लग गई है। प्रिया कहेगी कि उन्होंने अभी तो डिनर किया है और राम कहेगा कि काफी टाइम हो चुका है। और फिर राम को इस तरह से भूख में तड़पता देख प्रिया कहेगी कि कभी कभी राम उसे काफी ज्यादा क्यूट लगता है। जी हाँ, अब इनके अंदर की फीलिंग्स बाहर आने लग गई है और एक दूसरे को इन्होंने इस तरह के कॉम्प्लीमेंट्स देना भी स्टार्ट कर दिया है। देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि किस तरह से इन दोनों का रोमांस गोवा में आगे बढ़ता है।